इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता का आदरणीय विधायक पी एम मंडल भाई, आदरणीय MLC अशोक पांडे जी, आदरणीय पूर्व विधायिका सीता सुंदरी जी, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जी, सभी हमारे सम्मानित अभिभावकगण, आप जिस परिश्रम उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने संघर्ष किया, तमाम अवरोधों को पार करते हुए आपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा अफवाह की मशीनरी लगातार मुद्दों से भटकाने का प्रयास, अपने किए हुए कार्यों पे वोट ना मांग करके अन्य दूसरे तरह के अफवाह के जरिए चुनाव लड़ने का जो उन्होंने लड़ रहे थे, आपने उनके मंसूबों को नाकाम करने का काम किया। और केवल अक्सर लोकसभा नहीं, शाहबाद और मगध की भूमि से भारतीय जनता पार्टी और समर्थित लोगों को आप लोगों ने उखाड़ करके यह सबक और संदेश दिया कि बिना काम की, बिना मुद्दे की राजनीति देश में नहीं की जा सकती, और कोई भी इस देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण आपने नहीं होने दिया। सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय के लिए जो आपने मतदान किया, हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री भी 4,80,000 से घट करके मात्र 1.5 लाख वोट से चुनाव जीता, यह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के लिए हार के समान है, और नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देकर नई पीढ़ी के लिए राजनीति में रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और शाहबाद के लड़ाके जो बाहरी लोगों के द्वारा कब्जा था, यह राजनीति जो मुक्ति आपने दिलवाया है, यह निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में सुखद अनुभव होगा। हम लोग विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और बिहार में भी जो आपने परिणाम दिया है इसका भारी असर होगा। निश्चित तौर पर बिहार के भी भीतर 1-1.5 साल में जो चुनाव होगा परिवर्तन दिखेगा, और बाकी राजनीति में संभावनाओं का काम है। जो कुछ हो इस देश में, कल क्या परिस्थितियाँ बनेंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके स्वाभिमान सम्मान और जो विकास की लड़ाई है उसको हम लोग गंभीरता से लड़ेंगे, और हमारे जवान मुखर रूप से, बहुत साधारण सब नहीं है, मौन नहीं साधने वाले लोग, मुखर रूप से आप देखेंगे पटना से दिल्ली तक कि आपके हक की लड़ाई को हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे। कभी समझौता नहीं करेंगे। जिन सवालों को लेकर आपके बीच में गए थे वह सवाल अब भी जिंदा हैं। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने आज कहा आप कैसे करेंगे, मैंने कहा जो नीतिगत सवाल है, देश के संविधान बदलने से संबंधित है, वह मसले जरूर पीछे जा सकते हैं, लेकिन विकास के काम पीछे नहीं होंगे। आधे काम मेरे विकास से संबंधित है, आधे नीतिगत मसले हैं। सरकार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का आज बने, 6 महीना में बने, साल भर में बने, दिनारा के लोग निराश नहीं होंगे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग वोट दिए हैं। कम थोड़ा जो हुआ है ये हम लोग की अपनी कमजोरी रही होगी, हम लोग अपनी कमजोरी को दूर करेंगे, और हम लोग पुनः वोट ज़्यादा मिला है असेंबली से यहाँ, लेकिन जो लार्जर जो परिस्थितियाँ बनी उसमें जरूर हम लोगों का वोट कटा है, अपना ही वोट, कई दल काटे हैं मेरा ही वोट, हम लोग सभी अपने कमजोरियों को दूर करेंगे, और आने वाले वक्त में दिनारा विधानसभा को भी 1 नंबर बनाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपके हम बीच में रहने वाले हैं, महीने में न्यूनतम 1 बार जरूर हम बैठक करेंगे दिनारा के इलाके में, ये आपको मैं वचन देता हूँ। लंबा काम है लेकिन 1 दिन जरूर महीने में, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, छोटा बड़ा ऑफिस है ही,
फिर भी एक सांसद कार्यालय के तौर पर हमेशा वो चलता रहे, यह व्यवस्था मैं जरूर करूंगा कि आपको कहीं जाने स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सिंचाई को लेकर, सड़क को लेकर, इन सवालों को आपको चिंता नहीं करना है। बाकी जो नीतिगत मसले हैं कई हम लोगों के इंडिया गठबंधन के जो अपने भाषणों में जिक्र किए हैं, उसके लिए जरूर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जल्दी ही बनेगी। हम इन्हीं जनसभ्यों के साथ सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। वह भारत के लिए था, किनारा भी उसमें एक हिस्सा है, उसके लिए हिस्सेदारी मिलना तय है उसमें। इसके अलावा सरकार जरूर हमारी नहीं है देश में, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपने प्रयासों के जरिए सुंदर किनारा बनाएंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। किनारा धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र है, इसमें किसानों की स्थिति बहुत स्थिति खराब है, किसान चिंतित हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं चाहते। किनारा के किसान बदलाव नहीं चाहते, आप इस वोट में देखे होंगे, शायद वो अपनी स्थिति से खुश हैं, अन्यथा वोट में हारना चाहिए था। जो दुर्दशा किया है लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जनता दल यू के लोगों ने, जो दुर्दशा किया किसानों का, यहाँ नहीं हारने से लग रहा है किसान खुश है। सर युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए सरकार बनाएंगे, नौकरी देंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे और नई शिक्षा नीति को रद्द करके बच्चों को पढ़ने की सुविधा देंगे, तमाम काम युवाओं के लिए। सर ये तो सभा बीत गई, देश का परिणाम भी आ गया, कौन भभक रहा है आप समझ रहे हैं।